आरजेडी ने आज सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं को चुनौती दे दी है। यही नहीं, आरजेडी ने डबल इंजन सरकार से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक को चैलेंज दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिहार की डबल इंजन सरकार एनडीए के अनेक दलों, एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसदों, 9 राज्यसभा सांसदों, बिहार से केंद्र में आधा दर्जन मंत्रियों, दो दो डिप्टी सीएम और सीएम की क्या इतनी नैतिक और राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे, विवि की जमकर तारीफ की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से केंद्रीय विवि का दर्जा दिलाने की मांग की, लेकिन आज तक यह मांग पूरा नहीं हो पाई। सीएम कई बार कह चुके हैं कि दर्जा मिलने से पटना विवि की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर सवाल उठाता रहा है। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिलने पर विपक्ष सवाल लगातार करता रहा है।